रीवा शहर के मुख्य बाजार में निर्मित ऐतिहासिक पद्मधर पार्क का 53 लाख की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बाढ़ पार्षद से नारियल तोड़वाकर भूमि पूजन कराया। जल्द ही इस पार्क पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। ये 22 साल बाद पद्मनाभ पार्क में पुनः सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक पद्मनाभ पार्क है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक का इसका इतिहास हमेशा रहा है। यहाँ राजनीतिक दलों की बड़ी सभाएँ होती हैं, हाट बाज़ार भी हम लोग लगाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गया था। ये हम लोगों ने ये सोचा कि इसको बहुत जल्द से जल्द इसका रिनोवेशन कराया जाए, और नगर निगम की एक संपत्ति है जो सुरक्षित होनी चाहिए। तो 53 लाख का एक इसका हम लोगों ने एस्टीमेट बनवाया था और आज इसका भूमि पूजन किया। जल्द ही ये कार्य चालू हो जाएगा और एक नए स्वरूप के साथ अच्छा पद्मनाभ पार्क बन के पुनः तैयार हो जाएगा। वो स्तंभ गिर जाएगा। वो असल में जिस पर्पस से बनाया गया था उसका पर्पस साल में यहाँ नहीं होगा। वो स्तंभ की जगह हम लोगों ने डिसाइड कर ली दूसरी जगह। क्या काम होंगे इसमें? अब ये फर्श बनेगा, स्टेज बनेगा, इसकी ग्रिल चेंज होंगी, गेट बनेंगे, ये इसमें पानी भर जाता है, इसको ऊंचा करा जाएगा, टॉयलेट बनाया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और ये जो मंदिर बन रहा है हर गौरी की, इसका सौंदर्यीकरण होगा, लाइट लगेंगी, सब सारे कार्यक्रम।